कैलकुलेट कर रहा हूँ, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, इवोल्यूशन, डिविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, टाइप, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, होमवर्क किया आप लोगों ने? यस सर। एवरीवन हैज डन? यस सर। यस। ओके अश्विनी, ओपन द कैमरा। अश्विनी, अश्विनी आर यू देयर? यस सर। हाँ, कैमरा ओपन कर। टेल मी व्हाट इज करंट। नहीं, करण क्या है? मृणाय पाटिल, मृणाय पाटिल, व्हाट इज करंट, टेल मी मृणाय। हाँ, पुट ऑफ योर कैमरा अश्विनी, पुट ऑफ द कैमरा। मृणाय व्हाट इज करंट? व्हाट इज वोल्टेज, टेल मी वोल्टेज का यूनिट क्या है? वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है? वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है? करंट का यूनिट क्या है? करंट। नहीं आ रहा है ना, ऐसे कैसे हो सकता है? वेदांत, वेदांत, वेदांत शिखरे, वेदांत शिखरे आर यू देयर? वेदांत आर यू लिसनिंग? वेदांत, यस सर। वेदांत टेल मी द यूनिट ऑफ करंट, करंट का यूनिट क्या है? करंट का फॉर्मूला बोलो, करंट का फॉर्मूला क्या था? वेयर आर यू स्टडिंग? कोई है क्या जो बोलने वाला है? करंट, सुमित गुप्ता, सुमित गुप्ता, अरे सुमित आर यू देयर? सुमित सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? सर कैन आई टेल? हाँ बोल। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। वेरी गुड, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट?
अरे करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर इन वोल्ट, इतना ही तो ना। तो आपको नोटबुक थोड़ा पढ़ना होता है रे। सब लोग सुनो जरा, ऐसे ही नहीं साइंस आता है। जो कुछ मैंने कल होमवर्क दिया था, कल को जो कुछ पढ़ाया था ना, वो आपको देखना होता है, वो रिवाइज करना होता है, तभी ये साइंस इजी लगेगा, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट। ठीक है सुमित गुप्ता, बराबर है? चलो आगे चलते हैं। ओहम्स लॉ, यहाँ पे देखो, एवरीवन इज देयर नाउ, रेज योर हैंड्स, हु कैन लिसन मी, जो मुझे सुन सकते हाथ ऊपर करो। यस, तीन चार, अनिकेत, ओके, हाँ ठीक है। मृदंग पाटिल, तू नहीं सुन सकता है, वेदांत सिकरे तेरा हाथ ऊपर नहीं है। श्रद्धा पवार, श्रद्धा पवार हाथ ऊपर करो। रोहन, आदित्य, सुमित तिवारी, सुमित तिवारी, स्वप्निल पाटिल, आवाज नहीं आ रही मेरी? आर्यन मौर्या, कैन यू लिसन मी? आर्यन नॉट, ओके, चलो ठीक है, जो सुन रहे हैं वो उनके लिए। हेलो सर। हाँ बोलो सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार लीव हो जा रहा है मीटिंग। ओके ओके, क्या करें अभी, लीव हो जा रहा है। यू विल गेट द रिकॉर्डिंग, ठीक है। ओम्स लॉ, बाकी लोग देखो, अभी बाकी लोग देखो, यहाँ पे पुट योर हैंड डाउन, अभी हाथ नीचे करो, सब लोग हाथ नीचे करो अभी, ठीक है। सो ओहम्स लॉ के लिए फॉर्मूला देखो, यहाँ डायग्राम पहले देखो, हियर इज द बैटरी, एमिटर, दिस इज कॉल्ड अ रेजिस्टेंस, कल मैंने इसके बारे में बोला था रेजिस्टेंस, दिस इज द वोल्ट मीटर। यहाँ पे देखो, द रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, ये बैटरी के दो टर्मिनल्स में हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है। And to measure the current, ammeter is connected. So ammeter, this is the instrument called ammeter. It measures the current. And the potential difference across the resistor. ये resistor के दो terminal के बीच में जो potential difference develop हो रहा है ना, it is measured by using the voltmeter. ये meter है, voltmeter measures the voltage, मतलब potential difference. एमीटर इट मेजर्स द करंट, ध्यान में रखो, एमीटर मेजर्स द करंट, एंड होल्ड मीटर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस रेजिस्टर, ये रेजिस्टर के दो टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस तैयार हुआ है ना, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय दिस होल्ड मीटर, एंड ये जो करंट ये रेजिस्टर थ्रू जा रहा है ना, इट इज मेजर्ड बाय एमीटर, ध्यान में रखो। So this is the diagram for Ohm's law. Many times this diagram is asked. So take this screenshot. Screenshot ले लीजिए। आदित्य हाथ नीचे करो। हाँ आदित्य, शिवम हाथ नीचे करो अभी। आदित्य हाथ नीचे कर। ओके ठीक है। हो गया डायग्राम? यस और नो बोलो। यस सर। ओके चलो, अभी मैं ओहम्स लॉ यहाँ पे बोलने जा रहा हूं, जरा ध्यान दो यहाँ पे। ओहम्स लॉ, इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स। If the physical state of the conductor remains constant, यहाँ पे ये conductor है, यहाँ पे मैंने resistance connect कर दिया ना, वो conductor है, ये conductor है, ये पूरा conductor है। यदि उसकी physical state constant है, इसका मतलब उसकी length
आपको कॉन्स्टर रखनी पड़ेगी, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका मतलब डायमीटर कॉन्स्टर रखना पड़ेगा, टेम्परेचर और मटेरियल। यदि ये वायर कॉपर से बनी हुई है तो हम जितने भी एक्सपेरिमेंट करेंगे वहां पे कॉपर वायर ही यूज करेंगे। वो कॉपर वायर की आपको लेंथ नहीं बदलना है, वो कॉपर वायर का आपको डायमीटर नहीं बदलना है। सो इसी तरह से यदि वो फिजिकल स्टेट, इसको ही बोलते हैं हम फिजिकल स्टेट। सो इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर इज कॉन्स्टेंट, देन इट इज ऑब्जर्व दैट द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, आई स्टैंड फॉर करंट, ये साइन है, इट इज फॉर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली, ये साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है यदि ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है ना तो ये कंडक्टर थ्रू जाने वाला करंट भी बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। नाउ आई हैव कनेक्टेड वन सेल, आई विल गेट सम पोटेंशियल डिफरेंस एंड सम करंट। इफ द टू सेल्स आर कनेक्टेड, यदि मैंने यहाँ पे दो सेल्स कनेक्ट कर दिए तो उसके बाद यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, एज द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस ये करंट भी बढ़ेगा। यदि मैंने थ्री सेल्स कनेक्ट कर दिए तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा और करंट बढ़ेगा। देयरफॉर ओहम सेड दैट द करंट इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इतना ध्यान में रखो, यदि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो करंट भी बढ़ता है, इसलिए बोला है पोटेंशियल करंट इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ इन मैथ्स देयर इज वन रूल, यदि मैंने ये साइन निकाल डाला, दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी साइन। इफ आई रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन एंड प्लेस इक्वल टू साइन, आई हैव टू राइट वर्ड कॉन्स्टेंट। So instead of this proportionality sign, I wrote here equal to sign, therefore I have taken constant. K is called constant of proportionality. K को हम बोलेंगे constant of proportionality. अभी ये K यदि इस side में लाया जाता है, so it becomes 1 upon K. So V, और ये V जो है ना एक side में हो गया, so V is equal to I into 1 upon K. V is equal to I into 1 upon K. मैंने K क्या 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 कर दिया? This K is brought on this side. So, ये जो K इस साइड लाने के बाद वो 1 upon बन जाता है। So, K is into 1 upon I into 1 upon K is equal to V. अभी वो 1 upon K को, ये जो 1 upon K को उसको बोलेंगे हम resistance of the conductor. So, instead of 1 upon K, I wrote here R. So, I is into R is equal to V. Or you can say V is equal to IR. One and the same. V is equal to IR. Or you can say R is equal to V upon I. देखो I into R, 1 upon K in place of 1 upon K, I have written R, where R is called resistance of that wire. So, आपको formula बन गया, V is equal to IR. और यदि R एक side में लिखते हो आप, तो I नीचे आता है, so आपको बनता है V, R is equal to V upon I. This is called the formula for Ohm's law, statement and formula for the Ohm's law. Take the screenshot. डन सर। कुछ प्रॉब्लम है इसमें? एंड आउट हियर। एक बार रीड कर, वो रीड करेगा सुमित, रीड कर जरा। सुमित रीड कर द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। Yes, can you read? Yes, can you? अरे कोई सुन रहा है क्या मेरी सा आवाज? Yes, sir. शुभम रीड कर। Ohm's law. If the physical state of a conductor remains constant, the current flowing through it is
directly proportional to the potential difference between its two ends. Read this. Bol. I is directly proportional to V. Bol. I is directly proportional to V. Therefore, I is equal to K into V. Therefore, I is equal to K into V. K is equal to constant of proportionality. यहाँ पे क्या किया मैंने, ये के इस साइड में ला लिया ना. Yes. तो I into बोलिए बोलिए. I into 1 upon K is equal to V. Okay. I into K is equal to R. R is equal to resistance. No. ये यहाँ पे मैंने बोला ये 1 upon K है ना, उसको बोलते हैं resistor. 1 upon K को बोलते हैं resistance of the conductor. अभी so in place of 1 upon K I wrote here R. Got it? Yes, sir. So ये पूरा स्टेटमेंट और पूरा ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में 100% आता है. 100%. सो जो मैंने लिखा है उतना ही लिखना है. टेक द स्क्रीनशॉट. हो गया? Yes, sir. अभी देखो उसके आगे उतना ही लिखना है. पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट्स आर मेजर्स इन वोल्ट. आपको मालूम है, चलो कल मैंने बोला था यहाँ पे जो देखो R is equal to V upon I. V है पोटेंशियल डिफरेंस. What is the unit of potential difference? Tell me. वोल्ट. वोल्ट. करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर. एम्पियर. इसलिए ये R मतलब रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? वोल्ट अपॉन एम्पियर, विच इज कॉल्ड ओम. क्या बोलेंगे हम? वोल्ट अपॉन एम्पियर रेजिस्टर ओम. सो इसी तरह से जो रेजिस्टेंस है ना, किसी भी वायर के लिए जो रेजिस्टेंस होता है ना, इट इज मेजर्ड इन द यूनिट्स कॉल्ड ओम. गॉट इट? यस सर. ओके. अभी व्हाइल सॉल्विंग द मेनी प्रॉब्लम्स वी हैव टू यूज दिस ओम्स लॉ. द ओम्स लॉ इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर ना. वी इज इक्वल टू आई आर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर ओम्स लॉ एंड यू कैन अरेंज दिस इक्वेशन. सो फॉर वी इज इक्वल टू आई आर, सपोज आई हैव टू फाइंड आई, देन आई कैन राइट वी अपॉन आई. सपोज आई हैव टू फाइंड आर, देन आई कैन राइट वी अपॉन, सॉरी, इफ आई हैव टू फाइंड आई कैन राइट वी अपॉन आर. If I have to find, R, I can write V upon I. Getting it? Yes, sir. Arrangement, okay. V is equal to IR. Is it V is equal to IR. इसका मतलब ये हुआ ना, I is equal to V upon R. देखो यहाँ पे ट्राइंगल से पता चलता है. Is V is equal to IR, R is equal to V upon R, और I is equal to V upon R. बराबर है ना? Yes, sir. देखो ना अरेंजमेंट, देखो अरेंजमेंट. If V is equal to IR, V is equal to IR. So what is I? V upon R. ये नीचे आ रहा है ना R? V upon R. What is R? V upon I. समझ रहा है ना? Yes, sir. Okay. Now यहाँ पे देखो. Resistance of 1 ohm. When can I say the given conductor has the resistance of 1 ohm? किसी भी conductor आपको एक दिया है. Conductor का मतलब यहाँ पे wire है. So, एक वायर आपके हाथ में है और आपको बोला जा चुका है कि वहां पे उसका वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम है. कभी बोला जाएगा ये? देखो यहाँ पे, इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर व्हेन 1 होल्ड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन इट्स एंड, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम. कंडक्टर का मतलब यहाँ पे वायर. यहाँ पे देखो 1 ओम इज इक्वल टू 1/1. सो व्हाट इज 1 होल्ड? पोटेंशियल डिफरेंस. बराबर है ना? यस सर. तार के एक वायर के दो टर्मिनल के बीच में व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? 1 वोल्ट. एंड 1 वोल्ट ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद हाउ मच इज द करंट फ्लोइंग? हाउ मच इज द करंट फ्लोइंग? 1 एम्पियर. एम्पियर. Then I can say the resistance of that wire is 1 ohm. यदि वो वायर के दो टर्मिनल के बीच में मैंने 1 वोल्ट इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है और उसकी वजह से वो वायर में से 1 एम्पियर इतना करंट जा रहा है, देन
I can say the resistance of that wire is 1 ohm. So if 1 ampere current flows through a conductor, when 1 volt potential difference is applied between this end, दिख रहा है देखो यहाँ पे आपको ये ना फॉर्मूला से 1 ohm का डेफिनेशन ध्यान में रखना है. If 1 ampere is the current flowing through the conductor and if 1 volt is the potential difference between the two terminals of the conductor, then the resistance of the conductor is said to be 1 ohm. Got it? Yes, sir. बराबर है ना? Yes or no? Yes, sir. हाँ, take this screenshot. हो गया? Yes, sir. Okay. आगे एक न्यू कंसेप्ट आ रहा है, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी. एट अ गिवन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस एंड मटेरियल ऑफ द मीडियम. मटेरियल ऑफ द मीडियम दैट मीन्स कौन से मटेरियल से वो बना हुआ है. नाउ व्हाट डू यू थिंक, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड लेंथ? Yes, the relation is resistance of the conductor is directly proportional to the length. इसका मतलब यदि conductor की length बढ़ती है तो resistance भी बढ़ेगा ना? Yes, sir. For example, suppose I have to travel from Thane to Diwa. Suppose मुझे Thane से Diwa तक आना है, I will get some resistance on the road, like speed breaker ना? मेरे गाड़ी के लिए स्पीड ब्रेकर तो रेजिस्टेंस बनेगा कि नहीं? यस यस बनेगा. नाउ सपोज आई हैव टू ट्रैवल अहेड ऑफ दीवा, ज्यादा मुझे अहेड ऑफ दीवा, तो रेजिस्टेंस घटेगा और बढ़ेगा? घटेगा. घटेगा कैसे? बढ़ेगा ना. अरे फ्रॉम थाने टू दीवा आई विल हैव सम रेजिस्टेंस ऑन द रोड. यदि रोड की लंबाई बढ़ती तो स्पीड ब्रेकर की संख्या भी बढ़ेगी ना? यस सर. इसी तरह से ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर ना द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, देयरफॉर आई हैव रिटन द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. नाउ द सेकंड देखो, रेजिस्टेंस दिस इज कॉल्ड इन वन अपॉन है ना, ये वन अपॉन है कि नहीं? So this is called resistance is inversely proportional to the area of cross section. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का यहाँ पे मतलब है डायमीटर. यदि मैंने वायर का डायमीटर बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस घटेगा और बढ़ेगा? टेल मी. इफ आई इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द वायर, व्हाट वुड हैपन टू रेजिस्टेंस? यहाँ पे इनवर्सली है. इनवर्सली का हाउ टू रीड दिस? Resistance is inversely proportional to the area of cross section. इसका मतलब on increasing the area, the resistance will decrease. Getting it? अरे हर एक को ये रीडिंग समझ रहा है क्या? R is inversely proportional to the area. समझ रहे हैं आप लोगों को? Hello everyone, can you hear me? अरे मेरी आवाज आ रही, आ रही है मेरी आवाज? हाँ. So inversely का मतलब होता है एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो गया, एक बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है, तो रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू. गॉट इट? यस सर. ये दोनों इक्वेशंस, द टू इक्वेशंस आर रिटर्न टुगेदर. यहाँ पे देखो, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. द टू इक्वेशंस आर रिटर्न टुगेदर. ये दोनों इक्वेशन मिला के आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, inversely proportional to area of cross section. हो गया? अभी एक काम करो, यहाँ पे यदि मैं ये proportionality sign निकालता हूँ और equal to sign लिखता हूँ ना, तो I have to take one constant as usual. यहाँ पे मैंने I have removed the proportionality sign and put लिखा. This constant is called resistivity of the material. कौन से material आपके लिए? For example, आपने एक मीटर की कॉपर वायर ले ली और एक मीटर की एल्यूमिनियम वायर ले ली, तो दोनों एक मीटर हैं, तो रेजिस्टेंस का सेम नहीं रहेगा. एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, कॉपर का, ठीक है?
सो ये जो प्रॉपर्टी है कौन से भी मटेरियल की ना, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी. सो दिस इज कॉल्ड रो. रो इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल. ये जो रो है ना, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल. ठीक है. हाउ टू फाइंड द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, देखो यहाँ पे यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज रिटन है ओम मीटर. ये आपको लर्न करना पड़ेगा. जैसे ओम रेजिस्टर्स का यूनिट है ओम, वैसे रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओम मीटर. गेटिंग इट? देखो यहाँ पे सिंपल बात है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टर? सिंपल बात बोलता हूँ मैं. रेजिस्टेंस क्या होता है? सपोज आपके पास 10 मीटर लंबी वायर है ना, तो पूरे वायर के लिए जो पूरे वायर के लिए ना रेजिस्टेंस होता है, और 1 मीटर का रेजिस्टेंस जो है ना उसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी. 1 मीटर का रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, पूरे वायर का होता है रेजिस्टेंस. जैसे कि आपको एक शर्ट पीस लेना है, दुकान में जाके शर्ट पीस लेना है, तो आपने चलो हम बोलते कि 2-3 मीटर शर्ट पीस ले लिया, 3 मीटर के लिए 300 रुपए हो गए. सो व्हाट इज द रेट ऑफ दैट क्लॉथ? 3 मीटर के लिए चलो आपने 300 रुपए दे दिए, तो व्हाट इज द रेट ऑफ दैट क्लॉथ? 1 मीटर के लिए कितना भाव होगा? अरे 3 मीटर के लिए 100 होगा, तो 100 ये हो गया उसका भाव. इसी तरह से भाव फिक्स है. यदि आप 3 मीटर कपड़ा लेते और 10 मीटर कपड़ा लेते हो, भाव तो फिक्स रहेगा, वैल्यू बदलेगी. इसी तरह से कोई भी वायर का रेजिस्टिविटी फिक्स होती है. रेजिस्टिविटी होती है 1 मीटर के लिए. आप बोल सकते भाव होता है 1 मीटर के लिए ना, वैसे रेजिस्टिविटी भी होती है 1 मीटर के लिए. और यदि मैंने 10 मीटर लंबी वायर ले ली और 20 मीटर लंबी वायर ले ली, तो उसका जो वैल्यू रेजिस्टेंस का वैल्यू, सॉरी रेजिस्टिविटी का जो वैल्यू रहेगा उसे बोलेंगे हम रेजिस्टेंस. सो लाइक दिस रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. ये मटेरियल के लिए फिक्स होती है. जैसे कि कोई कपड़े के लिए भाव फिक्स होता है, बराबर है ना, उसी तरह से रेजिस्टिविटी इज द फिक्स फॉर द मटेरियल एंड देयरफॉर इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. टेक दिस इन शॉर्ट. हो गया? हो गया? यस सर. यस सर. नाउ आर आ इलेक्ट्रिक सर्किट. मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट आपको कल दिखाया था, अभी आज थोड़ा देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट. शुभम रीड कर. इलेक्ट्रिक सर्किट, अ कंटिन्यूअस पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टिंग वायर्स कनेक्टेड टू द टू एंड्स ऑफ अ सेल एंड अदर रेजिस्टेंसेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट. एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ बैटरी और अ सेल, a source of electricity, an ammeter to measure the electric current, a voltmeter to measure PD, potential difference, a switch to put the current on or off, an electric gadget to show the presence of current. सो दीज आर द रिक्वायरमेंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. जब कोई हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, यू नीड टू हैव अ बैटरी और सेल, यू नीड एमीटर टू मेजर द करंट, यू नीड वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, अ स्विच इज नीडेड टू पुट द करंट ऑन और ऑफ, और इलेक्ट्रिकल गैजेट लाइक कोई बल्ब रहेगा इलेक्ट्रिकल गैजेट टू शो द प्रेजेंस ऑफ करंट. इतना सब कनेक्ट करने के बाद ये जो एक सर्किट बनता है, दिस इज द कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. ये जो एक सर्किट बनता है उसे बोलेंगे अब इलेक्ट्रिक सर्किट. तो क्या होगा इलेक्ट्रिक सर्किट? कैन आई से इलेक्ट्रिक सर्किट इज द कंटिन्यूअस पाथ. यहां से यदि करंट शुरू हो गया तो ऐसे ऐसे जाएगा कि नहीं, बराबर है कि नहीं? यस सर. सो इलेक्ट्रिक सर्किट इज द कंटिन्यूअस पाथ
बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, ये जो सेल्स है उसके टर्मिनल में जो कंटिन्यूस पाथ करंट के लिए है ना, जिसमें बहुत सारे रेजिस्टर्स आ सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो यहाँ पे डायग्राम, इलेक्ट्रिक सर्किट, अ कंटिन्यूस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टिंग वायर्स कनेक्टेड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ सेल एंड अदर रेजिस्टेंसेस। अदर रेजिस्टेंस का मतलब होता है ये सब जो कनेक्ट है ना, ये रेजिस्टर, ये सब अदर रेजिस्टेंसेस है। हाँ, ये रेजिस्टर, अभी मैंने रेजिस्टर बोला था ना, दिस इज द सिंबल फॉर रेजिस्टर, एक्चुअल सिंबल फॉर रेजिस्टर। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? अ कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वैसे तो इतना ही ध्यान मेरे को, अ कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अलोंग द पाथ कनेक्टेड बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल एंड अदर रेजिस्टर्स। सो ये जो कंटिन्यूअस पाथ है ना, उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट। अ कंटिन्यूअस पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टिंग वायर्स, कंडक्टिंग वायर थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसका जो कंटिन्यूअस पाथ है और अदर बाकी सारे रेजिस्टेंस हैं उससे मिला के होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। टेक दिस इन शॉर्ट, हो गया? यस सर। नाउ देयर आर डिफरेंट सिंबल्स टू बी यूज इन द इलेक्ट्रिक सर्किट्स। व्हेन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक सर्किट ना, द सिंबल्स आर टू बी यूज, नॉट द एक्चुअल पिक्चर। एक्चुअल पिक्चर यूज करना मना है, आपको सिंबल यूज करने होते। फॉर एग्जाम्पल, सेल का ये सेल है लेकिन सिंबल ये है, सिर्फ एक बिग वर्टिकल लाइन, एक स्मॉल वर्टिकल लाइन एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन। बिग वर्टिकल लाइन इज द पॉजिटिव सिंबल, स्मॉल वर्टिकल लाइन इज द नेगेटिव सिंबल। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक बेल का ये सिंबल है। बैटरी के, बैटरी नंबर ऑफ सेल्स टूगेदर, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, को यहाँ पे पॉजिटिव छोटा नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव नेगेटिव। सो दिस इज द सिंबल ऑफ बैटरी, दैट मीन्स व्हेन नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड टूगेदर ना, बहुत सारे सेल्स हम टूगेदर रखते हैं तो उसे हम बोलते हैं बैटरी। अभी ओपन टैप की और प्लग की, इन शॉर्ट इट इज द बटन, बट इट इज ओपन है ना, तो दिस इज द साइन। ओपन का मतलब नो करंट फ्लोज इन द सर्किट, की ओपन है तो नो करंट फ्लोज इन द सर्किट। क्लोज टैप की, दिस इज कॉल्ड क्लोज टैप की, सिंबल है ये, हो गया? कनेक्टिंग वायर्स, दिस इज द कनेक्टिंग वायर, यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन, दिस इज कनेक्टिंग वायर। क्रॉसिंग वायर, इफ द टू वायर क्रॉस इट शुड बी शोन लाइक दिस। यहाँ पे दिखा देखो, टू वायर क्रॉस सिंबल है। लाइट बल्ब, ये पहले वाला है, द लाइट बल्ब ऑफ वाला है, दिस इज द सिंबल फॉर ऑफ लाइट बल्ब, दिस इज द सिंबल फॉर इल्यूमिनेटेड लाइट बल्ब, जो लाइट बल्ब चल रहा है उसके लिए सिंबल है। अभी अभी मैंने रेजिस्टेंस का सिंबल, ये दिस इज द रेजिस्टेंस, ये एक्चुअल है, दिस इज द सिंबल। विजिबल रेजिस्टेंस ऐसे होता है, दिस इज कॉल्ड विजिबल रेजिस्टेंस। ये है एमिटर, ये है एमिटर करंट मेजर करने के लिए, ये होल्ड मीटर और ये है होल्ड मीटर। आपने स्क्रीनशॉट लिया? टेक द स्क्रीनशॉट इलेक्ट्रिक सर्किट का। डन सर। इलेक्ट्रिक सर्किट ले स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। ले लिया? यस सर। हाँ, डायग्राम ले लिया था आपने? डायग्राम, ये डायग्राम लो इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए। एक मिनट, डोंट टेक द डायग्राम, एक मिनट। एक मिनट, एक मिनट।
हाँ अभी लीजिए, अभी लीजिए, लिया आप लोगों ने, हो गया? इसकी जरूरत नहीं, सिंबल है, अब देखो सिंबल, ये दिस इज द सिंबल फॉर वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस हम बदल सकते हैं, सो दिस इज द सिंबल, ये आपको क्रॉस करना है इस तरह से, अप डाउन और उसके ऊपर एक एरो निकालना है, ये वेरिएबल सिंबल का मीनिंग है। एमीटर सिंबल फॉर एमीटर, दिस इज द सिंबल फॉर होल्ड मीटर के लिए सिंबल, यहाँ पे जरा देखो होल्ड मीटर, यूजेस देखो, सेल का व्हाट इज द यूज ऑफ सेल, सेल सप्लाइज द पोटेंशियल डिफरेंस, बराबर है ना, द फंक्शन ऑफ द सेल इज टू क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर, बैटरी इट क्रिएट्स लार्जर पोटेंशियल डिफरेंस, ये टैप की यदि ओपन है इसका मतलब इट डजंट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू द सर्किट, पास इन द सर्किट, ये टैप की क्लोज है इसका मतलब नाउ इट इज अलाउइंग द करंट टू फ्लो इन द सर्किट, ये कनेक्टिंग वायर टू कनेक्ट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द वायर, ये क्रॉसिंग वायर, यदि क्रॉसिंग वायर है दिस इज द सिंबल, यहाँ पे है टू वायर्स आर क्रॉसिंग ईच अदर बट दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, दो वायर एक दूसरे के क्रॉस कर रही है लेकिन दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन नहीं है, तो बोलते हैं क्रॉसिंग वायर्स। Here is the symbol for lighted bulb. इसका मतलब current is flowing in the bulb. Control the flow of current. ये resistance, कई बार हम resistance connect करते हैं. It is to control the flow of current. ज्यादा current resistance connect करने से ज्यादा current नहीं जा सकता resistor. Variable resistance का मतलब होता है जिस resistance की value हम बदल सकते हो. That is called variable resistance. Ammeter is to measure the current. Voltmeter is to measure the potential difference. एक मिनट के बाद आपको फिर से ज्वाइन होना है, ध्यान में रखो। Now the important distinguish conductors and insulator. रीड करेगा कौन? रीड करेगा अश्विन।